देश हमारा में और अब बात उन चार महत्वपूर्ण खबरों की जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। आज आपसे खबरें छूटी हैं तो अब आपको एक एक करके बताएंगे। पहले एक जरा आपको थोड़े से में बता देते हैं कि आखिर कौन सी महत्वपूर्ण आज की खबरें रही। कल दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की अहम बैठक के बारे में बात होगी जिसे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बुलाया है। कौन कौन इसमें आमंत्रित किए गए हैं, कौन कौन आएंगे इस बैठक में बताएंगे आपको। लेकिन वही बात ईमान की कीमत की भी होगी जिसकी कीमत है 25 लाख रुपए। जयपुर में और यूडीएच में लैंड कन्वर्जन के नाम पर घूसखोरी के खेल का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे दुल्हन के लिए आए उड़न खटोले की जो चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे इलाके में। तो बने रहिएगा इन चारों खबरों के अलावा प्रदेश की इस वक्त की सभी महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे साथ। एक ब्रेकिंग न्यूज लेते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर रोहित गोदारा गैंग के गुर्गे दबोचे गए। आरजी गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बदमाशों से 2 पिस्टल समेत 2 जिंदा कारतूस बरामद हुई हैं। हरिओम, राम रतन, भैरू और शेरू इनका नाम बताया जा रहा है। शहर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये। हरिओम की पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 2 बदमाश बताए जा रहे हैं श्री डूंगरगढ़ के निवासी। तो बड़ी कामयाबी, इन 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। मनीष दाधीच से और जानकारी ले लेते हैं। मनीष, सीधे संबंध इनके रोहित गोदारा से? जी निश्चित तौर। बीकानेर में जो पुलिस है वो संगठित अपराध और स्ट्रीट शीटर जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई को अंजाम देती जा रही है। और वहीं पर रोहित गोदारा के 4 गुर्गों को आज पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। 4 गुर्गे जो पकड़े गए हैं इनके पास 2 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बड़ी कोई वारदात को अंजाम देने की ये फिराक में थे और कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल पाई है उसके तहत ये कहीं ना कहीं पर जो है गोलीबारी को भी अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इनमें से जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है हरिओम का, हरिओम सारस्वत जो कि श्री डूंगरगढ़ का निवासी है बीकानेर के ही, वो आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ पहले भी कई दफा मामले दर्ज हो चुके हैं। और इसके अलावा जो 4 नाम है उनमें से हरिओम, राम रतन, भैरू और शेरू, ये 4 नाम है। चारों ही जो लोग हैं ये चारों ही बदमाश जो हैं रोहित गोदारा चूंकि सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो है राजस्थान पुलिस का रहा हुआ है, उस पर इनाम भी पीएचक्यू की ओर से जारी किया गया है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये संबंध रखता है। तो इसके जो गुर्गे हैं उनको पकड़ा गया है। 4 गुर्गों को पकड़ने के बाद में एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। वहीं पर गंगा शहर, नवा शहर, कोतवाली और साथ ही साथ में जो डीएसपी है, डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम जो है, उस विशेष कामयाबी ये रही है। इन 4ों को अरेस्ट किया गया है। 4ों से जो हथियार बरामद किए गए हैं, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और कहीं जो जिस तरीके से हमको एसपी तेजस्वी गौतम ने बताया था, उनका कहना था कि बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने। ठीक है महेश दादीच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को, बड़ी खबर को ब्रेक करने के लिए, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। झालावाड़ से खबर जहां पर रिपेयरिंग करते वक्त एक गैस सिलेंडर फट गया। 2 बच्चे 2 महिलाओं समेत 6 लोग इसमें घायल हो गए। घायलों को फिलहाल झालावाड़ जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। गैस सिलेंडर फटने से मकान में भी दरारें आ गई हैं। झालरापाटन के नगारची मोहल्ले की यह घटना है। झालरापाटन पुलिस घटना की जांच कर रही है। वो सिलेंडर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था तो उन्होंने उसकी कंप्लेंट करके आज उसको ठीक कराने के लिए लोग बुलाए थे। 2 लोग गैस एजेंसी से वहाँ पर गए थे और उसको ठीक करने के दौरान ही हादसा हुआ था। सिलेंडर वैसे फटा नहीं है तो हमारी फसल टीम पहुँचाई हमने मौके पर, क्या वो जो फायर हुआ है वो टीम बताएगी, परंतु इनका कहना है कि शायद रेगुलेटर में कुछ गड़बड़ थी। प्रथम दृष्टा जो ये लोग बता रहे हैं उसमें पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। हॉस्पिटल की टीम से मैंने इंटरेक्शन किया है, डॉक्टर साहब भी यहाँ मिले थे तो उनकी टीम भी पूरे प्रयास कर रही है कि किसी भी तरह की कोई बात ना हो। कल कांग्रेस के नवनियुक्त सह प्रभारियों की अहम बैठक होनी है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कल अहम बैठक लेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी इसमें शामिल होंगे। कल सुबह 11:30 बजे दिल्ली में बड़ी बैठक होनी है। कार्य विभाजन के बाद पहली बार प्रभारी रंधावा अपने सह प्रभारियों से मुलाकात करेंगे। गहलोत सरकार के विकास कार्यों पर फोकस रहेगा। परियोजनाओं को डोर टू डोर पहुंचाने के लिए चर्चा होगी। महंगाई राहत कैंप से कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए इस पर चर्चा होगी। सह प्रभारियों को आला कमान की गाइडलाइन भी दी जाएगी। पायलट के स्टैंड और कार्यक्रमों को लेकर भी मंत्रणा हो सकती है। मुख्यमंत्री गहलोत ने राजधानी जयपुर में गुजरात के पूर्व राज्यपाल पंडित नवल किशोर शर्मा की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद महाराष्ट्र संकट पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत बताया और बीजेपी और आरएसएस को फासीवादी करार देते हुए सीएम ने कहा कि इन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
कर्नाटक में सरकार गिराई लेकिन राजस्थान में कामयाब नहीं हो सके। सीएम ने लोगों को बीजेपी और आरएसएस से सावधान किया। पर ये बीजेपी और आरएसएस के लोग फासिस्ट लोग हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं, उन्हें फैसला क्या देती है, क्या भावना उनकी। इसलिए कर्नाटक भी, महाराष्ट्र भी और मध्य प्रदेश भी गिराई सरकार, हमारी सरकार बच गई यहाँ पर, वरना हमारे यहाँ भी वही होता जो उन्होंने वहाँ पर किया। मेरा मानना है कि ये शुभ संकेत है और हमें पब्लिक में जाना पड़ेगा कहने लिए, ऐसी ताकत बचो आप लोग, ये लोग तो खत्म कर देंगे देश में, वोटों का राज खत्म हो जाएगा और एक पार्टी शासन होगा जो चाइना में और रशिया में है वो ढंग से। बार बार मैं आगाह कर रहा हूँ। जयपुर थाने तक पहुंच चुका है आईपीएल मैचों का विवाद। जी हाँ, सुशील पारिक ने एक परिवाद दिया है। राजस्थान युवा बोर्ड उपाध्यक्ष ने ज्योति नगर थाने में ये